काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा। तालियां आए तो एक बार पूरे सदन की आए ताकि मैं खुल करके यहां पर पढ़ सकूं। अनवरत तीसरी बार आमंत्रण मिला। जय किशन जी हर बार वायदा करके भेजते हैं कि अगली बार भी तुम्हें आना है, अगली बार भी संचालन करना है। तीन बार से मैं उनका वायदा पूरा करते हुए उनको देख रहा हूँ, और विश्वास मानना जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ रही है वैसे वैसे मन में केवल एक आस जगती है कि ये शतायु हों और हर बार हम उनके एक आदेश पर यहाँ पर आ जाएं। मैं नमन करता हूँ, आप इतने मन से हम लोगों को बुलाते हैं। मंच का संचालन करने का दायित्व मुझे सौंपा अमित भाई का, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पंक्तियाँ मैं देता हूँ, बात पहुँच जाए। आज डॉक्टर हरिओम पवार जी को भी यहाँ पर होना था, हमारी क्रांति धारा मेरठ से वो ताल्लुक रखते हैं। न जाने कितनी बार आपने उनकी कविताओं पर जय घोष किए हैं, नारे लगाए हैं। आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिस कारण से वो नहीं आ सके। आप लोग यहाँ से एक बार ईश्वर से कामना करना कि वो अगले वर्ष बिल्कुल स्वस्थ हो करके आप लोगों के बीच आएं और अपना काव्य पाठ यहाँ पर आप लोगों के सामने करें, ऐसा हम लोगों का भी मन है। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, वो एक बात कहते हैं साहब कि बिना अल्लाह की मर्जी के सिवा अल्लाह की जो वो होती है मर्जी, उसके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हम भी ये कहते हैं कि सिवा अल्लाह के, सिवा खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हों तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनके हाथों की गर्मियां उनकी तालियों से महसूस करना चाहता हूं, कहने की हिम्मत करता हूं। सुनना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, अयोध्या खुदी तो राम निकले, ज्ञान वापी खुदी तो महादेव निकले, मथुरा खुदी तो कृष्ण निकले। और ये दावा करता हूं कि जिस दिन कुतुब मीनार खुदा उस दिन आदि देव निकलेंगे। जहां जहां खुदाई करोगे वहां वहां ईश्वर निकलेगा, वहां वहां भगवान निकलेगा। तब पंक्तियां देता हूं। और छोड़ो जमीन को खोदना, अपनी नस्लों को भी खोद करके देख लोगे तो वहां भी हमारे पुरखे निकलेंगे, इस बात का दावा है। बेटा अमर हो, अकबर हो, एंथनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका बाप किशन लाल है, ये सबने जाना। पंक्ति पढ़ता हूँ, बहुत मन के साथ आप सुन रहे हैं। ये भाई साहब सामने खड़े हुए हैं, किस दिशा से सुन रहे थे? हाँ बैठिए, मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनना। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, अभी आनंद भी लिया लेकिन अब मैं क्रोध देखना चाहता हूँ। और मैं विश्वास मानना, ये वाला जो कुनबा मेरे सामने बैठा है, पूरा कवि सम्मेलन तो साहब आपने जिया दिया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मैं आपको समर्पित करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ताली आप ना बजाओ। पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। अब जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार, बहुत मन के साथ सुन रहे हैं। मैंने प्रण लिया था हम लोगों को ये मंच अनामिका तक लेकर के जाना है। मैंने एक विधान शुरू में यहाँ पर नियोजित किया था कि सब कवि कम पढ़ेंगे। आज मैं मेरी मूल कविता नहीं पढ़ूंगा, केवल तीन मुक्तक और सुना करके अपना स्थान लूंगा। मेरे बाद श्रद्धेय राजेश चेतन जी को सुनना है और उसके बाद ये पूरा का पूरा मंच डॉक्टर अनामिका जी नंबर तक। आज अनामिका का वो स्वरूप देखेंगे जो शायद पहले कभी नहीं देखा। उनकी स्वर लहरियों पर आज ये कृष्ण के जितने वंशज हैं सब मुझे थिरकते हुए नाचते हुए दिखने चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे, सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। सब लोग एक बात जानते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के समय में दो बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, एक अफजल को और एक कसाब को। रातों रात टांग दिया जाता था
और सुबह न्यूज फ्लैश होती थी कि आज हमने फला आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया, आज उसको मार दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। खुल करके ये बताने की हिम्मत नहीं थी कि उस आतंकवादी को सजाए मौत दी गई है और फला तारीख को उसको टांगा जाएगा। मैंने एक बड़े मंत्री से उस समय के पूछा था, मैंने कहा सर आप लोग ये डिस्क्लोज क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि सौरभ भाई अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे तो लोग कैंडल मार्च लेकर के निकलेंगे, हमारा विरोध करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे दल का किसी भी तरह का कोई विरोध हो सके। साहब अंतर मन से आह निकली थी और अंदर से एक प्रज्वलित एक ज्योति ने अंदर से आवाज लगाई थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार यहां दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के कांपने लगे। ये सपना हम लोगों ने साकार होते हुए देखा। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत 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 रसिक जी, आप भी ताली बजाओ। हाँ, ये है तो बड़े कवि का लेकिन आज आए नहीं तो मैं प्रयोग कर लेता हूं। मैंने आपकी उन कविताओं पे बजाई थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। ये अपना अपना क्या बात है। पंक्ति पढ़ता, ये हम लोगों के आपस का आनंद है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ सन्ना, निवेदन करता हूं कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। वाह 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 भाई कमाल, वाह 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 वाह, जय बहुत बहुत आभार। अगर हमारी मातृशक्ति ऐसे हो जाए ना साहब तो मेरा दावा है कि जो इनकी तरफ आंख उठा करके देखते हैं ये आंखों से निकाल करके कंचे खिलाने सिखा देंगे। मैं नमन करता हूं, हमारी माता भवन को ऐसा होना चाहिए। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मंच का स्नेह मांगता हूं सुनना। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, केवल 10 आतंकवादियों ने मुंबई में। कैसे छलनी कर दिए गए थे, ना बच्चे देखे ना बड़े देखे। अगर ये खाकी जो पीछे सुरक्षा में खड़ी है ना साहब, अगर ये खाकी खड़ी ना होती, इनके हाथों में डंडे थे और वो बंदूकें थीं जो डंडे से भी बदतर थीं, तो अपने सीने लेकर के खड़े हो गए ताकि हमारे बच्चे जी सकें। साहब इस खाकी को नमन करता हूं, पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं। मैं मुझे वो घटना याद आती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है साहब। आप लोगों के पावन मुख्यमंत्री जो इस समय उन्हीं की खातिरदारी में हैं, जिनके लिए उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिस समय कसाब को पकड़ा गया जिसने इतने सारे खाकी वालों को मारा, इतने सारे बेकसूर लोगों को मारा, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा, जिस समय उसकी फांसी की बात चल रही थी तब आपके मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए इनके भी परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दो, इनकी फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक। बहुत बहुत आभार भैया। पंक्ति देता हूं सुनना। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। कि हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, भारत मां का तन घायल है जिनके पैने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। कि उन कुत्तों को घर में पाले। बहुत बहुत आभार। आखिरी चार पंक्तियां देता हूं, मेरा स्थान लेता हूं, इस मंच को डॉक्टर अनामिका अंबर तक का सफर करना है। मेरे बाद मेरे अग्रज आदरणीय श्री राजेश चेतन जी, जिनको सीख कर जिनको सुन करके शायद मैंने संचालन की विधा को जाना, जिनको सुनकर के मुझे पता लगा कि खड़े कैसे हुआ जाता है मंच पर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश से आता हूं, चार पंक्तियां उत्तर प्रदेश की आपको सुनाता हूं। हम लोगों ने साहब एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना, लोग कई बार मुझ पर आरोप लगाते हैं कि तुम दल विशेष के पक्ष में पढ़ते हो, मैं कभी किसी दल के पक्ष में नहीं पढ़ता, मैं हमेशा उसके पक्ष में पढ़ता हूं जो भारत माता के दल को अपना दल मान लेता है। साहब मैं इसलिए ऐसा हूं। केवल चार पंक्तियां पढ़ता हूं और आप लोगों को लगे कि सही है तो मुझे तालियों से विदा करना, हिम्मत मैं करता हूं, सुनने की हिम्मत आप करना। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, इस समय सबसे बड़ा नासूर अगर हमारे हिंदुस्तान के कलेजे पर कोई है
तो वो जम्मू और कश्मीर है। साहब आप लोग सब जानते हो कि जिस दिन लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, पूरे देश की राजनीति रुदाली रुदन रोई थी वहां पर आकर के। कई प्रदेश के तो मुख्यमंत्री वहां पर रोज रोने आ जाते थे। ठीक उसके अगले दिन एक और घटना श्रीनगर में घटती है, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके एक विद्यालय में हिंदू टीचरों के कलेजे छलनी कर दिए जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान से एक आंसू भी नहीं बहता। तब मुझे लगता है कि मुझे पक्ष की कविता पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने परिवर्तन देखे हैं साहब। पहले जब बाबा नहीं थे हमारे यहाँ, कोई और थे, तब हम लोग टाकिज में फिल्में देखने जाया करते थे और राष्ट्रगान बजा करता था तो हम सम्मान में खड़े हो जाते थे। हमें देख करके कुछ लोग वहाँ पर ये टिप्पणी करते थे, देखो देशभक्त खड़ा हो गया, देखो हमारे पास खिल्ली उड़ाते थे। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो माँ भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको ये समझा दिया जाएगा कि माँ भारती का सम्मान क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। ये परिवर्तन हमने देखे। तब चार पंक्तियां देकर के विदा लेना चाहता हूं, विदा देना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बटवा देना, मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना।